सब्सक्राइब करें आरजे टेक्नोलॉजी को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं मोहित राज, आप देख रहे हैं आरजे टेक्नोलॉजी। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं वीवो V9 का और अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। फिलहाल वीडियो लेट है, फोन लॉन्च हुए कम से कम 10 से 15 दिन हो चुके हैं। ये मैंने फोन आपके रिव्यू के लिए लिया था जो कि एक शॉप से लिया है, एक डेमो फोन है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं इसको फोन को। तो सबसे पहले हमें इसका वही जो वीवो V9 है इसका बॉक्स, दूसरे जो वीवो फोन है उन्हीं की तरह सेम टू सेम बॉक्स वही है, जिसको अगर हम इसके बॉक्स को अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट से देखने पे इसके बॉक्स पे वही आपका लिखा हुआ है परफेक्ट शॉट और परफेक्ट व्यू। तो अगर इसके बॉक्स को हम पीछे से देखते हैं तो पीछे से इसका वही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है फोन के बारे में। अगर अब इसको डिब्बा हटाया जाए, इसको अनबॉक्स किया जाए, तो सबसे पहले हमें एक बॉक्स मिलेगा जिसमें आपका फोन का वो है कवर रखा हुआ है और उसमें आपके कुछ पिन रखे हुए हैं जो कि स्लॉट्स के लिए होते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो हमारा फोन आता है, फोन को अगर हम अभी साइड में रखते हैं तो इसके बाद हमारा हम लेते हैं चार्जर को। तो चार्जर है जो आपका पुराना चार्जर जैसे बाकी सभी फोन दिया गया है वही है, 5 वोल्ट का है, 2 एम्पीयर का, जो कि बहुत स्लो चार्जर है। यूएसबी केबल भी ठीक ठाक है इसमें। और अगर इसकी ईयरफोन की बात की जाए तो ये अलग यूनिक है, मतलब ईयरफोन काफी अच्छे दमदार दिए गए हैं और एप्पल की तरह दिए गए हैं बिल्कुल यार, ये अच्छी बात है इसकी, बहुत हूबहू नकल एप्पल की ही आप देख सकते हैं। अगर इसकी अगर फोन की बात करी जाए तो इसकी जो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा इसकी पूरी कॉपी सेम टू सेम आपकी जो एप्पल 10 है उसकी की गई है। मतलब यार बिल्कुल भी जगह नहीं है डिस्प्ले में कहीं फालतू की, फुल टू फुल ऑन फुल डिस्प्ले है, बॉटम टू टॉप बिल्कुल डिस्प्ले आपकी, कहीं बाकी आपके बॉडी पार्ट्स देखने को नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। तो ये अच्छी बात है, इन्होंने पूरी नकल कर रखी है एप्पल की। फिलहाल आगे से देखने में तो एप्पल ही लगता है और चलाने पे भी एप्पल ही जैसा महसूस होता है। अगर इसकी स्लिम की बात की जाए तो ये पुराने वीवो फोन की तरह स्लिम है आपका, और जो इसका फिंगरप्रिंट है वो आपका बैक में दिया हुआ है, बाकी जो सभी वीवो फोन होते हैं उनमें आगे आता है, तो ये भी एक चेंज किया हुआ है इन्होंने। तो अगर इसके हम बाकी फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 625 जो है प्रोसेसर मिलता है। इसके बाद इसके डिस्प्ले की बात करी जाए तो डिस्प्ले है इसकी 6.3 इंच जो कि आपकी मिलती है हमें 180 पिक्सल्स में। इसके बाद अगर इसके बैटरी की बात करी जाए तो बैटरी इसमें यार काफी कम दी हुई बैटरी आपकी दी है 3260 mAh की लियोन की बैटरी है, जो कि इसमें यार एक गड़बड़ी कर रखी है। बाकी इस फोन को अगर देखा जाए तो काफी अच्छा फोन है यार, पकड़ने में भी काफी अच्छा लगता है। और इसमें आपको दो कलर मिलेंगे, एक आपको ब्लैक मिलेगा और आपको गोल्ड कलर मिलेगा। इसके बाद अगर हम इसके कैमरे की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें बैक में दो कैमरे दिए हुए हैं आपके, जो कि एक कैमरा आपका है 16 मेगापिक्सल और दूसरा है 5 मेगापिक्सल का। और इसके बैक कैमरे से ली हुई ये फोटो भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, मतलब तो यार अच्छा है कैमरा इसका, बाकी वीवो फोन की तरह सही है कुल मिला के। तो इसे ये बैक के जो दोनों आपके कैमरे हैं उसी से ली हुई पिक है आपकी। दूसरी पिक में आपको दिखाऊंगा जो ये पिक है आपकी, इसके जो कैमरे हैं उनसे ली हुई, मतलब काफी अच्छा यार कैमरा है इसका। और जो वीवो ओप्पो यार इनमें तो है ही वही कंपटीशन कैमरे को लेके। इसके बाद अगर हम इसके वर्जन की बात करते हैं तो इसमें 8.1 ओरियो का वर्जन इसमें दिया हुआ है। इसके बाद इसका गेमिंग टेस्ट करके देखो तो यार गेमिंग मतलब परफेक्ट है यार, काफी अच्छा है। और क्या ज्यादा अच्छा बोलना यार, मतलब सभी फोन सब तो अच्छे ही आ रहे हैं लगभग, ये भी अच्छा है लेकिन इतना अच्छा है इसकी डिस्प्ले ज्यादा बड़ी है, तो गेम खेलने में काफी मजा आता है दोस्तों। और फिर अगर इसके प्राइस की बात करिए दोस्तों, प्राइस इसके सही है, मतलब फोन को देख के अच्छे हैं, जो कि आपको ये 22,990 से लेके 21,990 तक भी मिलता है अमेजोन और बाकी साइट्स पे। और अगर आप ये कलर लेना चाहते हैं जो गोल्ड कलर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आपको 22,500 में मिल जाएगा। फिलहाल ये दो ही कलर में आपका अवेलेबल है, एक ब्लैक और एक आपका गोल्ड। अब अगर फ्रंट कैमरे की बात करिए तो फ्रंट कैमरा इसका वही आपका 24 मेगापिक्सल का है, और जो कि मतलब नॉर्मली सभी वीवो फोन में 20 मेगापिक्सल का होता है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं किया है। फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा यार, फोन अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है इसका और बाकी सब चीज अच्छी ही है, लेकिन पीछे से मुझे इतना इसका अच्छा लुक नहीं लगा जितना आगे से अच्छा लगा है। तो फिलहाल मैं इसको 10 में से आपके 9 नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि यार सब चीज अच्छी है इसकी। और आगे आपकी मर्जी रही, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिलहाल मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा लेने के लिए। मुझे आपको इसके बारे में बताना था, इसको दिखाना था, आपको मैंने दिखा दिया है। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। अगर इच्छा हो रही है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी बार फिर मिलेंगे नई टेक्नोलॉजी और टिप्स के साथ, तब तक के लिए दोस्तों भाई अपना ख्याल रखिए, बने रहिए आरजे टेक्नोलॉजी के साथ।